इंडिया जो है ना वो हर मोबाइल फोन कंपनी के लिए सबसे बड़ा और सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट है, चाहे हम बात करें एप्पल की, सैमसंग की, शाओमी की, सबके लिए नंबर वन है सिवाय गूगल को छोड़ के। और हर कंपनी जो है ना वो अपने नए नए जो स्मार्टफोन है वो इंडिया में सबसे पहले लॉन्च करने की कोशिश करती है और जितने भी लेटेस्ट फोन है वो भी लॉन्च करते हैं। यहां तक कि काफी सारी नई कंपनीज है जो आज के समय में इंडिया में एंटर हो गई, जैसे रिसेंटली बात करें आईक्यू की। अब इसका मेन रीजन ये है कि इंडिया में जो स्मार्टफोन की सेल्स है ना वो लगातार ऊपर जा रही है, जबकि अगर हम बात करें वर्ल्ड वाइड या दूसरी कंट्रीज में तो जहां पे स्मार्टफोन डिक्लाइन कर रहा है ना वहां पे इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट काफी ज्यादा राइज कर रहा है। तो चलिए आज पता लगाते हैं कैसे और क्यों इंडिया का जो स्मार्टफोन मार्केट है वो दुनिया में सबसे बड़ा है और दुनिया के दूसरे किसी मार्केट से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, और इसलिए हर कंपनी की जो मेन फोकस है ना स्मार्टफोन की दुनिया में वो इंडिया पर ही है। तो आज इस वीडियो में इसी के बारे में बात करता हूं। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो सबसे पहले बात कर जो इंडिया की जो पोजीशन है ना स्मार्टफोन मार्केट में वो सेकंड नंबर पे आती है, लेकिन जो फर्स्ट पे आता है वो आता है चाइना। लेकिन फिर भी देखा जाए तो इंडिया जो है ना वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट है, यानी कि सबसे ज्यादा तेजी से जो मार्केट साइज जो बढ़ रहा है ना वो इंडिया का ही बढ़ रहा है। अब इसका पीछे का रीजन क्या है? वेल रियलिटी में इसके पीछे का जो मेजर रीजन है ना वो है 2016 में हुआ जियो रिवॉल्यूशन। अब जियो रिवॉल्यूशन के बाद क्या हुआ कि काफी सारे लोग जो थे ना वो स्मार्टफोन के ऊपर मूव कर गए, क्योंकि उन्हें 4G VoLTE वाले फोन चाहिए थे, क्योंकि वो फ्री इंटरनेट का यूज करना चाहते थे। इससे इंडिया का जो स्मार्टफोन मार्केट है बहुत ही ज्यादा तेजी से बढ़ा, इंडिया में इंटरनेट यूजर तेजी से बढ़ गए और इसी कारण से इतने सारे स्मार्टफोन यूजर्स आपको देखने को मिले। लेकिन इसके साथ एक ऐसा मार्केट भी है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा, जिसके हाथ में अभी भी आपको स्मार्टफोन देखने को नहीं मिलते। मैं यहां पे बात करूं फीचर फोन वाले मार्केट की, यानी कि 2016 से पहले फीचर फोन वाला मार्केट था, आज भी एग्जिस्ट करता है। लेकिन जब जियो ने अपना जियो फोन निकाला तो काफी सारे ऐसे लोग थे जो कि नॉर्मल फीचर फोन को छोड़ के जियो फोन के ऊपर गए, क्योंकि वो एक फीचर फोन नहीं था, वो एक स्मार्ट फीचर फोन था और उसके अंदर उन्हें जियो की कनेक्टिविटी और जियो का इंटरनेट देखने को मिलता, तो जियो की सर्विसेज का यूज कर सकते थे। यानी कि जो लोग स्मार्टफोन को नहीं कर सकते थे ना वो लोग सीधे चले गए जियो फोन के ऊपर, जो कि फीचर फोन वाले मार्केट में काफी ज्यादा हिट साबित हुआ। इसलिए जो KaiOS है ना उसकी जो पोजीशन इंडिया में सेकंड नंबर पे आती है, ग्लोबली वो मोबाइल OS की लिस्ट में थर्ड नंबर पे आता है, ये भी काफी अमेजिंग बात है। लेकिन अब ऐसा हो रहा है कि जिन लोगों के पास पहले फीचर फोन था वो अब स्मार्टफोन के ऊपर मूव कर रहे हैं, और जिन लोगों ने जियो के समय पे फोन लिए थे वो अब धीरे धीरे अपग्रेड कर रहे हैं थोड़े महंगे फोन के ऊपर। अब इसके ऊपर एक स्टैट्स की नजर डाल लेते हैं। अगर हम बात करें इंडिया के ईयर ऑन ईयर ग्रोथ जो कि स्मार्टफोन मार्केट के अंदर हुई है वो है 7%। सिमिलरली जो Xiaomi की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ है वो हुई है 7%। यहां तक कि जो Vivo है ना वो भी 76% बढ़ गया है। Samsung की जो सेल्स रही ना वो ऑलमोस्ट फ्लैट रही है, लेकिन जो Oppo है वो ऑलमोस्ट डबल हो गया है। Realme 255% ज्यादा ग्रो कर गई है, और जो Apple है ना वो वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्मार्टफोन मेकर है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि सारी कंपनीज अच्छा कर रही है और सारी कंपनीज के जो फोन है ना वो मार्केट में बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बिक रहे हैं, ये काफी सोचने वाली बात है। लेकिन अगर बात करें आखिर इन फोन्स को खरीद कौन रहा है, तो इस कैटेगरी में दो लोग आ जाते हैं। यानी कि पहले तो वो लोग है जिनके पास ऑलरेडी फीचर फोन है और वो एक स्मार्टफोन के ऊपर मूव करना चाहते हैं। तो यार ऐसे लोग की जो क्वांटिटी इंडिया में ऐसी बहुत ज्यादा, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि नॉर्मल फीचर फोन से स्मार्टफोन के ऊपर मूव करना चाहते हैं। इसलिए जो स्मार्टफोन का मार्केट है ना, जो स्पेशली जो बजट सेगमेंट है, जो एंट्री लेवल स्मार्टफोन का मार्केट है, वो आज भी एग्जिस्ट करता है, बहुत ही ज्यादा इसे एक्सपेंड कर रहा है। और इसके अलावा दूसरे कैटेगरी के लोग आते हैं जहां लोगों के पास ऑलरेडी फोन है लेकिन वो आने वाले समय में दूसरे फोन पे अपग्रेड कर रहा है, और जो फोन के जो अपग्रेड करने की साइकिल है ना लोगों की 6-6 महीने तक हो गई है। यानी कि लोग हर 6 महीने में नए फोन के ऊपर आना चाहते हैं, और काफी सारे लोग तो ऐसे जो कि पिछली बार के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा और थोड़ा अच्छे फीचर वाला फोन लेना चाहते हैं। अब यही एक रीजन है कि इतने कम समय में कंपनीज अपने नए नए प्रोडक्ट निकालती रहती है, अपने फोन को लॉन्च करती रहती है, यहां तक कि अपने फोन के प्राइसेस भी इंक्रीज करती रहती है, और उसके बाद भी लोग तैयार हैं उनके फोन को खरीदने के लिए। एक काफी अच्छा एग्जांपल है, अगर कोई आदमी अगर बजट फोन यूज कर रहा था ना, उसके बाद वो हो सकता है मिड रेंज फोन के ऊपर जाए, उसके बाद वो अपर मिड रेंज के ऊपर जाएगा। काफी सारे लोग फ्लैगशिप कलर या फिर जिसे हम बजट फ्लैगशिप कहते हैं उसे लेना पसंद करेंगे, और जो लोग बजट फ्लैगशिप पहले से चला रहे थे वो थोड़े प्रीमियम फ्लैगशिप के ऊपर जाना पसंद करेंगे। अब यही एक रीजन है कि एप्पल जो कि इतने ज्यादा महंगे फोन निकालते हैं ना, उसके फोन भी आज के समय में इंडिया में धीरे धीरे ज्यादा बिक रहे हैं, ये भी काफी बड़ी बात है। मतलब नंबर काफी ज्यादा कम है लेकिन वो छोटा सा जो नंबर है ना वो भी धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है, क्योंकि जो लोग है ना वो पहले से ज्यादा बेटर फोन लेना चाहते हैं और अपने आप को एडवांस करना चाहते हैं, और कंपनीज भी यही फायदा उठा रही है। हर फोन के अंदर कुछ ना कुछ नए फीचर डाल देती है, कई बार उसकी प्राइसिंग बढ़ा देती है और जल्दी जल्दी फोन लॉन्च करती है, तभी आप देख सकते कि मार्केट में आपको कितनी जल्दी जल्दी फोन देखने को मिलते हैं। और एक और खास बात यहाँ पे ये भी है कि 4 साल पहले जहां लोग एक्सपेक्ट करते थे ना कि बेस्ट फोन अंडर 10,000, तो 4 साल बाद वो चीज हो चुकी बेस्ट फोन अंडर 20,000। यानी कि जो लोग पहले 10,000 में बेस्ट फोन को ढूंढते थे वो 20,000 में बेस्ट फोन को ढूंढते हैं। तो यही कारण है कि जो बाकी जो कंपनीज है ना वो भी अपने फोन के प्राइसेस धीरे धीरे बढ़ा रही। यानी कि आज के डेट में अगर OnePlus अगर अपना 50,000 के ऊपर का भी फोन अगर लॉन्च करती है ना, तो वो फोन मार्केट में चलता है, उसे लोग खरीदते हैं और उसे लोग
पसंद भी करते हैं। अब यही एक कारण है कि मार्केट में अब धीरे धीरे महंगे फोन्स की जो रिक्वायरमेंट है ना वो जा रही है और लोग आने वाले समय में उसे और ज्यादा खरीदना पसंद करेंगे। और इसीलिए देखा जाए तो इंडिया ना वो बिगेस्ट स्मार्टफोन मार्केट हो जाता है। यानी कि अभी भी ऐसे यूजर्स बाकी जिनके पास अभी स्मार्टफोन नहीं है, जिन्हें आने वाले समय में स्मार्टफोन लेना है, और एक ऐसा भी बहुत बड़ा चंक है यूजर का जिसके पास ऑलरेडी स्मार्टफोन है लेकिन आने वाले समय में दूसरे स्मार्टफोन पे अपग्रेड करना है। दूसरी कंट्रीज में बात बिल्कुल गलत है। दूसरी कंट्रीज में ये हो गया कि अब जो लोग जो स्विच करते थे ना स्मार्टफोन, वो स्विच नहीं कर रहे। जहां पे उन्हें स्मार्टफोन को लेना था ना, सबके पास ऑलरेडी फोन आ चुका है, हर कोई स्मार्टफोन को यूज करता है और उन्हें अपग्रेड करने का रीजन नहीं बन रहा। और इंडिया में जो केस है वो उल्टे, इंडिया में अपग्रेड साइकिल बहुत ही ज्यादा तेजी से चेंज हो गई है। और ऐसे ही बहुत सारे लोग हैं जो फीचर फोन से स्मार्टफोन पे आ रहे हैं। तो देखा जाए तो यही कारण है कि इंडिया का स्मार्टफोन मार्केट सबसे बड़ा हो जाता है। और ये देख के लगता है कि आने वाले समय में आपको और भी ज्यादा स्मार्टफोन के लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। यानी कि कुछ भी चलता रहे, नए स्मार्टफोन्स आपको मार्केट में देखने को मिलते रहेंगे, नई नई टेक्नोलॉजीज उनमें आपको देखने को मिलती रहेंगी, यहां तक कि हो सकता है आपको नई नई कंपनीज भी स्मार्टफोन मार्केट में देखने को मिले। तो देखते हैं कि आगे की पूरी कहानी क्या बनती है। वैसे मेरा आप लोगों का सवाल है, आप लोग अभी के समय में कौन सी कंपनी का फोन यूज करते हो? ये बात मुझे नीचे कमेंट बताना ना भूलना। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लेना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।